नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन से शुरू करें या फिर मंगलवार के दिन से। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके ऊपर जो पनौती चल रही है वो दूर होगी। कपूर ऐसी चीज़ है दोस्तों, यदि कपूर आपके बॉडी में थोड़ा भी लगा हुआ है, आप देखना आपकी स्किन में अपने आप चमक आ जाती है। स्किन का कोई भी रोग हो, कोई भी तकलीफ हो, आप नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर डालें और आप उसे स्किन में लगाना शुरू कर दें, स्किन पर घिसना शुरू कर दें, आप देखेंगे कैसा भी चर्म रोग हुआ धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। कपूर यदि आप अपने घर में जलाते हैं रात को सोते समय, यदि आप दो लौंग और कपूर सोते समय, बिल्कुल जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, चांदी की कटोरी में आप जलाना शुरू कर दें। कपूर के दो टुकड़े रख दें, उसके ऊपर दो लौंग रख दें, थोड़ा सा घी डाल दें और जलाएं। कोई इसमें ज़्यादा तंत्र मंत्र नहीं करना है, एवरीडे आप इस काम को करना शुरू कर दें दोस्तों, आप पैसों में खेलेंगे। आप यदि अपने घर में कपूर रखते हैं, यूं भी आप खुला थोड़ा सा कपूर रख दें अपने घर में, आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी, पॉजिटिविटी आपके घर में हमेशा वास करेगी। घर में यदि आप कपूर के टुकड़े रखते हैं हर कमरे में, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, आपके ऊपर कभी भी डिप्रेशन जल्दी अटैक नहीं करेगा। थोड़ा सा कपूर और अजवाइन आप किसी कपड़े में बांध करके गले में धारण कर ले दोस्तों, सर्दी से जुड़े हुए कोई भी रोग आपको नहीं लगेंगे, कोई भी नेगेटिविटी जल्दी से आपको टच नहीं कर पाती है। तो कपूर असाधारण महत्व रखता है। अनार के पौधे के नीचे यदि आप एवरीडे कपूर को जलाना शुरू कर दें, आप देखेंगे दोस्तों आपके ऊपर कितना भी कर्जा हो तुरंत खत्म हो जाता है। कपूर बहुत ही जबरदस्त असर करता है दोस्तों। पूजा स्थान में एवरीडे आप कपूर के ऊपर थोड़ा सा घी डालें और कपूर जलाना शुरू कर दें, घर से सारी नेगेटिविटी चली जाएगी और घर में आप देखेंगे सुख और समृद्धि का वास होने लग जाता है। कपूर का एक टुकड़ा दोस्तों यदि आप अपने पर्स में रखते हैं, कभी आपके पर्स में कोई नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं होगा। कपूर बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। यदि आप नहाने के पानी में कपूर का एक टुकड़ा डालते हैं, आप समझिए आपके बॉडी में जो भी नेगेटिव चीज़ों का वास होगा, जैसे आप जब नेगेटिव चीज़ आपकी बॉडी में वास करती है तो आपका दिमाग जैसे भारी भारी रहेगा, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, घर के अंदर भी आपकी कलह होगी, आप घर से बाहर भी कहीं जाते हैं लोग अनायास ही आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और आपका व्यक्तित्व खिला हुआ नहीं दिखाई देता है, तो आप नहाने के पानी में दोस्तों एक टुकड़ा कपूर, मैं फिर बता दूँ, शुक्रवार के दिन करें इसको या फिर मंगलवार के दिन करें, एक टुकड़ा आप कपूर का डाल दें और उसके बाद आप उस पानी से स्नान करें। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ जबरदस्त अट्रैक्ट हों, पॉजिटिविटी आपकी तरफ खींच खींच करके आए, तो यदि आप इस उपाय को मंगलवार के दिन से शुरू करते हैं तो थोड़ा सा चमेली का तेल भी अवश्य ही डालें। वैसे शुक्रवार को करेंगे तो भी चमेली का तेल आप डालते हैं शुक्रवार को तो भी उसकी इफेक्ट तो होनी है, लेकिन मंगलवार के दिन से शुरू करते हैं तो मैं फिर से बता दूँ, दोनों ही चीज़ चमेली के तेल को बिल्कुल भी मत भूलना। वैसे आप सिर्फ कपूर डालेंगे तो भी उतने ही इफेक्ट होगी, कितनी बार जब आपको समझाया जाता है आप कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, कपूर डालेंगे तो भी उतने ही इफेक्ट होगी और चमेली का तेल साथ में डालने से आपका वशीकरण भी सिद्ध होगा। बराबर, मतलब कि आपके व्यक्तित्व के अंदर जबरदस्त आकर्षण करने की शक्ति आ जाती है, जिस शक्ति से आप अपने नौकरी में, आपके व्यवसाय में आगे निकल सकते हैं, परिवार के अंदर भी आपका प्रेम भाव बढ़ता है, आपका मतलब आपकी बॉडी के अंदर ऐसा एक आकर्षण होता है कि अपने आप ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। और कपूर दोस्तों आपकी सारे ही नेगेटिविटी को दूर कर देता है। तो मंगलवार से यदि आप शुरुआत करते हैं तो दोनों ही चीज़ को अवश्य ही मिलाएं, शुक्रवार से शुरुआत करते हैं तो भी दोनों ही चीज़ को अवश्य ही मिलाएं, लेकिन शुक्रवार के दिन से यदि आप करते हैं, चमेली का तेल उपलब्ध ना हो तो आप सिर्फ कपूर से भी शुरुआत कर सकते हैं। मंगलवार के दिन से करते हैं तो अवश्य ही चमेली का तेल डालें, क्योंकि इस दिन इसकी इफेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों बहुत साधारण सा उपाय है, नहाने के पानी में आपको सिर्फ दो चीज़ें डालनी है और इसको आपको रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक दिन किया है, मंगलवार से शुरू करें, कम से कम आप 7 दिन करें।
अगले मंगलवार तक करें, शुक्रवार से करते हैं, शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, रिजल्ट बहुत बढ़िया दिखाई देगा दोस्तों। नेगेटिविटी आपको छोड़ करके भागेगी, दूसरा आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होगी और आपकी आकर्षण करने की जो शक्ति है वो जबरदस्त डेवलप होती है। बहुत ही अच्छा उपाय दोस्तों, करके देखें, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।